अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लोकसभा चुनाव के आहट के बीच यूपी की राजनीति में लोकदल ने अपनी धमाकेदार एंट्री राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बिजेंद्र सिंह के रूप में आज मेरठ आगमन पर कर दी। बिजेंद्र सिंह के स्वागत में जिस तरह भीड़ जुटी उसने निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को भी एक बार की सोचने पर मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि लोकदल जितनी तेजी से यूपी में अपनी जगह फिर से बनाएगा उतना ही डेंट राष्ट्रीय लोकदल को लगने जा रहा है। हालांकि बिजेंद्र सिंह ने कहा है कि हम किसी से भी प्रतिस्पर्धा के लिए मैदान में नहीं आए हैं, हम सिर्फ किसानों के हित की बात कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह ने किसानों का आह्वान किया है कि MSP नहीं तो वोट नहीं, साथ ही किसानों को उनका वाजिब हक चाहिए, खैरात नहीं। मेरठ पहुंचने पर चौधरी विजेंद्र सिंह का काशी टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर Hotbuy.tv से वार्ता करते हुए लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने यह कहा। पार्टी का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश है और किसान जितने भी पूरे देश से पूरे प्रदेश से आए हैं ये सब सारी बधाई केवल किसानों की है। हम किसी भी प्रतिद्वंद्विता से समाज में नहीं आए हैं। जयंत चौधरी की अपनी जमीन है, हम केवल किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरठ की जनता किसानों का सम्मान करें, किसानों का सहयोग करें और हम सब लोग किसान परिवार से हैं। आइए अब चलते हैं मौके पर। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य अब कुछ समय में बिल्कुल आपको बदलता हुआ नजर आएगा। लोकदल जो पुराना लोकदल है उसने आज लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने आज मेरठ में धमाकेदार एंट्री की है और ये एंट्री सिर्फ मेरठ ही नहीं यूपी की राजनीति में भी कुछ बहुत कुछ कर दिखाने के लिए काफी होगी। मेरठ आगमन पर जिस तरह से उनका स्वागत किया है उसमें हजारों ट्रैक्टर, हजारों लोग और हजारों वाहन देखे जा सकते हैं किस तरह से उनको स्वागत किया जा रहा है। लोकदल ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी धमाकेदार एंट्री की है वह यह बताने के लिए काफी होगा कि अब आने वाले टाइम में यह राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है। हालांकि यह अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा लेकिन जिस तरह से धमाकेदार उनकी एंट्री हुई है लग रहा है कि युवाओं का और जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं, जिस तरह से दावे कर रहे हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ होने जा रही है जो निश्चित रूप से यूपी की राजनीति में एक नया सिनेरियो पैदा करने वाली होगी। मैं आपको दिखाता हूं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से आज यहां मेरठ में उनके आगमन पर भीड़ जुटी। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भीड़ कंटिन्यूस जुट रही है और राष्ट्रीय और लोकदल किस तरह से यूपी की राजनीति में एक नए सिरे से छाने के लिए मेरठ में आगमन कर चुका है। हजारों ट्रैक्टर हैं पीछे, साथ ही वाहनों पर लगे स्टिकर। कृपया थोड़ा सा साइड होकर चलें, यातायात में किसी को कोई समस्या ना हो। के लिए पार्टी जिंदाबाद। श्री विजेंद्र सिंह चौधरी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट लाइट। नमस्कार।